नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है ओनर का डिवाइस और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के जो भी एक्स्ट्रा साउंड होते हैं, जैसे कि स्क्रीन लॉक साउंड या यहां पे स्क्रीनशॉट जब कैप्चर करते हैं वो साउंड जो बजता है, या फिर हम बात कर लेते हैं डायल पैड टोन की, या फिर हम कीपैड टोन की बात कर लेते हैं, जब आप इस तरह से नंबर टाइप करते हो तो जो टोन बजती है, तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से इनेबल या फिर डिजेबल कर सकते हो, या फिर जब आप इसको टच करते हो, जैसे कि यहाँ पे नेविगेशन बार में जो बटन होता है इसको टच करते हो तो वाइब्रेट करता है मोबाइल, तो किस तरह से इनेबल डिजेबल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जाना होगा होम पे, इसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साउंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे चले जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे मोर साउंड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पे चले जाना है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन मिलता है कीपैड टोन का। कीपैड टोन का मतलब यहाँ पे ये यह होता है, जैसे आप क्लिक करोगे, नन नन का मतलब होता है कि कीपैड साउंड अभी आपकी नहीं बजेगी। और अगर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम के द्वारा जो कीपैड टोन मिलता है वो आपको दिखेगा, और अगर मेलोडी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मेलोडी कर सकते हैं। तो मैं जो बंद करना है तो मैं नन पे रहने दूंगा, ठीक है। और ये जब बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आप देखोगे, यानी कि जब आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ ऑन मिलेगा, तो यहाँ पे इस तरह से ऑन होगा। तो अब स्क्रीन लॉक साउंड की बात कर लेते हैं। स्क्रीन लॉक साउंड का मतलब होता है जब आपका मोबाइल लॉक होता है उस कंडीशन में एक आवाज़ आती है, उसको अगर बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके ग्रे कर सकते हो उसको, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा वो। इसके बाद अगर हम स्क्रीनशॉट साउंड की बात कर ले, तो जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो एक आवाज़ आता है क्लिक करने का या कैप्चर करने का, तो उसको आप बंद करना चाहते हो तो उसको भी आप यहां से डिजेबल कर सकते हो। स्क्रीन टच साउंड, जब आप स्क्रीन को टच करते हो तो आपको एक आवाज़ देखने को मिलता है, ठीक है, तो स्क्रीन टच साउंड को भी आप यहाँ पर डिजेबल कर सकते हो। जनरली कीपैड पर साउंड आपको मिलता है ये। और अगर वाइब्रेट ऑन टच की बात कर ले, तो पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप किसी भी बटन को प्रेस करते हो अगर वो वाइब्रेट करता है तो आप इस तरह से बंद कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा साउंड है इसके बारे में मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको कस्टमाइज़ करते हैं, किस तरह से इनेबल करते हैं, किस तरह से डिजेबल करते हैं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।